यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं अभी यूनिवर्सिटी से निकला हूँ और ट्रेन में जो प्रोग्रामिंग थी वो बहुत हाई लेवल मतलब थी, बहुत हाई प्रोग्रेसिव प्रोग्रामिंग है। तो तो उसकी वजह से मुझे ना फिर मैक की ज़रूरत थी, मैकबुक की। तो वो फिर मैंने जनाब अली पापा को रिक्वेस्ट डाली कि जरा उधर इससे, तो हालांकि मैं वहाँ से लेके आया था, तो मैंने कहा जी इससे तो काम नहीं चल रहा तो मुझे मैक लेना पड़ेगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, तो उन्होंने कहा कि तुम ले लो। वो फिर बाबा ने मुझे परसों फंड्स भेजे, फिर मैंने जी उसको मैकबुक को मैंने परसों ऑर्डर किया एप्पल स्टोर पे। तो उनकी मुझे ये अभी कॉल आई, मैं यूनिवर्सिटी में ही था थोड़ी देर पहले, भी आपका पार्सल आ गया तो आप आके पिक कर लें। तो बस मैं ट्रेन से निकला हूँ, ट्रेन में हूँ, और ट्रेन से निकल जैसे ही उतरूँगा तो सामने एप्पल स्टोर है, तो वहाँ से पकड़ते हैं मैकबुक और उसके बाद उसको चलते हैं घर। और मैं घर कहाँ पे है, मैं कहाँ पे रहता हूँ, मतलब सारा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट का सीन होता है इंशाल्लाह वो अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती जाएंगी और आप उसको एक्सप्लोर करेंगे और मज़ा आएगा। कुछ दिन में मेरी वीडियोस नहीं आई, इसकी वजह ये थी कि मतलब मेरी आते साथ बहुत थोड़ी हाई मतलब डीप स्टडी शुरू हो गई थी। तो क्योंकि मेरा जो सीट थी वो 14 को मेरी क्लास थी, तो मैं 10th या 12th को यहाँ पहुँचा था, तो आते साथ ही मेरी क्लासेस शुरू हो गई, मुझे कोई भी टाइम नहीं मिला अपना इंट्रोडक्शन कराने के लिए आपको यहाँ पे, आपको पता तो है। तो बस अभी चलते हैं और जैसे ही ट्रेन उतरे रुकेगी तो सामने एप्पल स्टोर है, सामने बिल्कुल सामने, तो वहाँ से पकड़ते हैं जनाब अपना मैकबुक और मेरे खालू मुझे लेने आए हुए हैं, तो वहाँ से मैकबुक पकड़ते हैं और उसको ले चलते हैं फिर घर और फिर वहाँ जाके उसको कहते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं। एक और कजन से कि वो हैं जी जानली, हाउ आर यू, हाउ इज इट गोइंग, गुड, एंड इन व्हिच क्लास डू यू आर, किंडर, ओके, डू यू एंजॉय देयर, मम्म, और थैंक यू जी। अब हम मेन चीज की तरफ चलते हैं जो कि अनबॉक्सिंग है, वो क्या चीज है उसको ओपन करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं वैसे टाइटल से और पिक्चर की यानी जो थंबनेल होता है उससे और वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा, लेकिन अभी उसको अनबॉक्स करते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। बॉक्स है और इसके अंदर हमारी आइटम है, तो अभी इसको अनपैक करते हैं और आपको करते हैं मेन चीज़ जो है वो उसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ये पहले आप देख लें जनाब, ये हमारे पास ऐसे बैगेज आते हैं, तो उसके बाद अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ये अब यहाँ से कट करते हैं, ऐसे करके जनाब, फिर और इधर से, तो जनाब अभी इसको ओपन करते हैं जी। ओपन करेंगे तो हमारे पास इसकी 8-7 आइटम शुरू हो जाएंगी। दिस इज इट, इसके अंदर आपको एक और बॉक्स मिल जाता है, ये देख सकते हैं जैसे कि आप, ये सारा बॉक्सेज हमारे पास है। ये बॉक्स मेन अपना प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं जी। तो दिस सील इज बिलोंग टू विच कंपनी, यू नो ये एक सील किस कंपनी पे लगी होती है, कौन सी कंपनी के मतलब चीज़ें होती है। अब इसको पील करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ के ये पील हो गया जनाब, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। ये हमारा प्यारा सा मैकबुक प्रो, बिकॉज़ आई नीड प्रो, जो कि एडवांस वर्जन होता है, एयर जो होता है इससे एक स्टेप डाउन होता है, जो प्रो होता है वो एडवांस वर्जन के लिए होता है, और ये M2 चिप वाला है क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग बहुत हाई लेवल की होती है तो इसकी मुझे नीड होती है। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ और आपको बाहर निकालते हैं और बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान किस तरह की जी अपनी इसकी फर्स्ट लुक्स हैं जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और अभी ये इसकी पील लगी हुई है, इसकी यहाँ से पील अप करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं। चलें जी अब बारी आ जाती है, ये देखें जी हमारे पास आ जाता है मैकबुक प्रो, इस तरफ लिखा हुआ जी, और इस तरफ आपको एप्पल का लोगो मिल जाता है जिसके सारे पैसे हैं जी, इस तरफ भी आपको मैकबुक प्रो मिल जाता है और इस तरफ भी आपको एप्पल का लोगो मिल जाता है जिसके सारे पैसे हैं। तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा यानी नीड थी, तो अल्लाह का शुक्र है और बाबा को मैंने कहा था तो उन्होंने ले दिया, थैंक यू बाबा, बहुत शुक्रिया। तो अब देखें जनाब, चलें जी अब इसको ये लेट उठाते हैं और एप्पल प्रोडक्ट को जैसे ही आप ऐसे ऊपर करते हैं तो ये खुद ही बॉक्स रिलीज हो जाती है।
तो ये जी हमारे पास नीचे हमारा मैकबुक पड़ा है और ये इसका लिड है, इसको रखते हैं साइड पे। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अभी हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास ये हमारा मेन हमारा वो लैपटॉप है। तो अब देखते हैं कि इसके नीचे हमें क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले अपना मेन लैपटॉप उठाते हैं, क्या बहुत ठंडा है, वेरी कूल। और अब इसको लास्ट में आपको दिखाते हैं, पहले हमारे पास एसेसरीज क्या क्या हैं वो देखें। बात करते हैं बॉक्स की, बॉक्स की फिनिश बहुत अच्छी है, जो फोर डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं बिकॉज मैकबुक के यहाँ पे फोर उसके मतलब सेटिंग्स होती हैं। तो उसके बाद डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया को मिल जाता है साथ। जैसे आप उसको निकालते हैं तो ये हमारे पास एक 2 मीटर की केबल होती है टाइप सी टू टाइप सी मैकबुक की, यू नो चार्जिंग के लिए होते हैं अपनी जगह पर बॉक्सेस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, हमारे पास इसको भी देखते हैं क्या है इसमें। फिर हम बात करते हैं अपने चार्जर की, सो हियर इट इज़ द चार्जर। तो ये जी हमें चार्जर मिल जाता है, चार्जर जो है हमारा वो है जनाब ये ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में ऐसे होती हैं चार्जिंग सॉकेट्स। तो ये हमारे पास ये इसके पीछे यू नो है चार्जिंग के लिए पोर्ट, और ये हमारे पास 67 वाट का अडॉप्टर है जी। अब बात कर लेते हैं कि हमें जो इसके अंदर क्या क्या दिया हमारे पास जो इसका है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और हेयर इट इज़ मेड बाय एप्पल ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय एप्पल। तो इसको जो ओपन कर लेते हैं हमारे पास में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी मैकबुक प्रो, मैकबुक प्रो की एसेसरीज, मैकबुक प्रो में यू नो उसकी बोल्ट्स और ये मैकबुक प्रो में जितने उसके फंक्शंस वगैरह हैं। और ये इसके अंदर जो टच बार होती है, इसके यूज़र मैनुअल हैं इसके सेटअप वगैरह करने के लिए, ये टच बार होती है। तो अभी आपको दिखाते हैं और बात करते हैं इसमें हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या है, ओह अगली चीज़ हमारे पास हैं जी एप्पल स्टिकर्स। हमारे पास दो अदर एप्पल स्टिकर्स हैं, पहले से बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनका टेक्सचर भी डिफरेंट है। दैट्स वेरी नाइस टू हैव दैट एप्पल स्टिकर्स। और उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या दिया जाता है, चेक करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास फिर वो मैकबुक प्रो का यूज़र मैनुअल्स, ये मैं पढ़ूंगा और पढ़ के फिर आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा कि मैकबुक प्रो के साथ मेरा सफ़र जो है वो कैसा गुजर रहा है। स्टिकर्स, दिस इज़ द यू नो चार्जिंग डॉक, दिस इज़ द चार्जर। सो अब बात करते हैं अपने मैकबुक की, तो उसको अब चलते हैं जी अपनी मैन बुक की तरफ। तो दिस इज़ मैकबुक, लोगो आपको नज़र आ गया है और इट्स रियली वेरी कोल्ड। सो यहाँ से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू होती है। मेन इसके ऊपर जो कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बाद में बता दूंगा। और अभी करते हैं मेन अनबॉक्सिंग। नाउ वी गो टू यू नो द पील ऑफ द पेपर। सो ये इससे और ऐसे आपका मैकबुक इन योर हैंड। सो जनाब द मेन लुक ऑफ द मैकबुक इज दिस। तो ये रहा आपका मेन मैकबुक का लुक। सो इट्स शाइनी एप्पल, यू नो इट्स प्रोवाइडिंग ग्रेट लुक। और ये रहा इसके पीछे इसकी मतलब मेन बातें लिखी होती हैं डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड दैट्स इट। We have this MacBook Pro M2 chip और ये हमारे पास इसकी चार्जिंग की डॉक्स मिल जाती हैं। आप इसके साथ हब अपना हब भी लगा सकते हैं और सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हेडफोन जैक दिया जाता है एप्पल की तरफ से एंड अ वेरी शाइनी एप्पल इज़ हेयर। सो इट्स प्रोवाइडिंग वेरी ब्यूटिफुल लुक्स, आउटस्टैंडिंग, द शाइनी कलर इज आउटस्टैंडिंग। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसको मेरे साथ चलता रखे और आप सब भी दुआएं देना और देखते साथ माशाल्लाह बोलना ताकि भाई को ये अल्लाह नसीब करे। उसका जो मैक्स का जो मेन फीचर होते हैं वो ये होते हैं कि आप इसका लिड, जैसे ही आप इसका लिड ऐसे उठाते हैं तो इसका लिड आप जैसे ही ऑन करते हैं तो ये एक पेपर होता है और उसके बाद इसकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो इट्स वेरी ह्यूज, नाइस एंड साइज। मैं आपको इसकी साइड वगैरह दिखा देता हूँ और देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो अभी इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं जी।
So Bismillahirrahmanirrahim. Here is the MacBook Pro. और जैसे इसको उठाते हैं तो चल पड़ती है कि जो लिड आप पिक करते हैं तो ये MacBook Pro ऑन हो जाता है और इसकी ये जो होती है ना ये जो नीचे वाली साइड वो नहीं उठती। बाकी विंडोज़ ले लो, जो मर्जी डेल उठा लो, HP जितने सारे हैं, जितने लैपटॉप हैं, उनको आपको नीचे हाथ रख के यहाँ पे और दूसरे हाथ से इसको उठाना पड़ता है। तो इसको आप जैसे ऑफ करते हैं, इसका लिड डाउन करते हैं, ये खुद ही मोबाइल की तरह बंद हो जाता है और जैसे ही आप इसको पिक करते हैं ये ऑन हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे अब शुरू हो गई है, अभी इसको सेटअप करते हैं। सेटअप करके इसके जो आइकन्स अभी आला ये कुछ ऐसी ऐसे इसके आती हैं, तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ इसकी जो टच बार है। टच बार आपको बहुत ज़्यादा इजी देती है इसमें आपको इसको एक्सेस करने में। ये आपकी ब्राइटनेस आ जाती है, यहाँ से आप अपनी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको विंडोज़ की अवेलेबिलिटी दे देती है, ठीक है जी। उसके बाद ये आपको ऐप्स में ले जाती है और ये आपको ऐप्स जो अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं ऐप्स से वापस भी ले आती है। फिर आपको ये जो है दिखाता हूँ आपको, ये की पैड है, इसके अंदर लाइट है। जब अंधेरा हो बिल्कुल तो इसकी अपनी लाइट्स जल रही होती हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो ये उसकी लाइट्स हैं। फिर अगर म्यूज़िक चल रहा है तो उसका प्ले ऑफ बटन है। ये सीरी है, हे सीरी हाउ आर यू। तो इस तरह आपको ये इधर सीरी भी मिल जाएगी। इस तरह ये सारा आपके सामने सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये मैं आपके सामने और इस टाइम को बैक कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इनकी मेल वगैरह सेटअप कर लिया, जैसे मैं अपनी मेल्स खोलता हूँ पूरी आईफोन वाली की, सारी जितनी मेरी मेल्स हैं वो सारी मेरी मेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। इसका जो मैजिक कीबोर्ड है ये बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप ऐसे स्क्वीज़ करते हैं सारा ऊपर वगैरह होता है, और मतलब इसके बड़े प्यारे प्यारे फंक्शन हैं वो इंशाल्लाह आपको फर्दर वीडियोज में मैं चेक कराऊँगा। और काफ़ी स्मूथ है चलने में और बहुत ही थिन है, बिल्कुल इतना पतला सारा है कि आप इमेजिन कर लेंगे बिल्कुल ऐसे कि ये नाखून मेरे जो पहली उंगली का है ये ज़्यादा मोटा है, मतलब इससे भी पतले हैं, पतला है ये लैपटॉप। तो बैटरी आवर इसका 20+ देता है ये, तो दैट्स आफ्टर द सेटअप। इसका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही आप इसका लिड ओपन करते हैं ये ऑन हो जाता है। ये हमारे पास आ गया टच पैड, हेयर यूज विद टच ID, सो दिस का ओपन। तो जी कुछ ऐसा हमारे पास इंटरफेस है, ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। तो काफ़ी कुछ सेटिंग मैं इसकी कर चुका हूँ, अपना iCloud ये वो काफ़ी कुछ लगा लिया है। तो इसकी फर्दर जो मेन रिव्यू है वो आपको मिलेगा, ये चाहे वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। ये है जी इसकी फर्स्ट लुक और इसका मतलब सारा कि हाउ इट्स फीचर्स और ये कैसा मतलब सारा देखने में लगता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी जो है वो हम इसका ऐप स्टोर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं हर तरह के भी जो कुछ आप चाहते हैं। सो मेन थिंग इज़ दिस कि इसके मतलब फीचर्स हैं, यहाँ से आप इस तरह करेंगे तो आपका मेन्यू आ जाएगा, इस तरह आप सारा कुछ करेंगे यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है। अभी आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क, तो वर्क की सारी चीज़ें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यू वांट टू प्ले, अगर आप मुझे खेलने गेम्स चाहते हैं प्ले पे टैप करेंगे तो सारी गेम्स वगैरह आ जाएंगी। तो इस तरह की आपकी टच बार, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और ये यहाँ पर आ जाता है I am sorry फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सॉरी और सॉरी का इमोजी भी आ गया बना हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल जी आंसू आ गए जी। तो ये सारा आपको ये सारा गाइड करेगा। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ दिस टच बार। तो इसको जब आप मिनिमाइज़ करें तो लाइक दिस स्वीप, एंड व्हेन यू रीओपन इट लाइक दिस स्वीप। तो ये इस तरह का जिसका इंटरफेस है, इसका डिटेल रिव्यू, इसके स्पेक्स क्या हैं वो मैं स्टडी कर लूँ थोड़े से, तो उसके बाद जितनी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करता हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, मेरे साथ अली अकबर है। तो अली अकबर हाउ आर यू, डिड यू एंजॉय दैट अनबॉक्सिंग? तो हमें जी बहुत मज़ा आया इसकी अनबॉक्सिंग करके। तो अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो अभी इंशाल्लाह फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी। तो मैं बस इस लैपटॉप का वेट ही कर रहा था आएँ और एडिट करूँ और सीधे आपके पास पहुँचें। तो इंशाल्लाह, तो तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें आप, ताकि मेन मेरे अपडेट्स आपको वहाँ आती रहें।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।